प्लिंथ बीम के नीचे ईट चिनाई कर दिए और आपने हजारों रुपए का नुकसान कर दिए, तो क्या करना चाहिए या कुछ हम यहां पे भी हम हजारों रुपया बचा सकते हैं? चलते हैं इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल के साथ कि क्या प्लिंथ बीम के नीचे ईट चिनाई करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, और कब करते हैं ईट चिनाई, और अगर हम डीपीसी दे रहे हैं तो जरूरी है या नहीं है। अब बात करते हैं प्लिंथ बीम, जैसे एक ये मेरा घर है, इस घर, ठीक है, ये घर हो गया आपका, इस घर का एक प्लिंथ लेवल में, ज्यादातर प्लिंथ लेवल में हम लोग क्या देते हैं, प्लिंथ बीम देते हैं, ठीक है, मतलब प्लिंथ लेवल आपका हो गया जो ग्राउंड फ्लोर लेवल, ग्राउंड फ्लोर लेवल, यहां तक तो ठीक समझ में आ रहा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जरूरी है या नहीं ये आपका। अब क्या है कि हम लोग ज्यादातर प्लिंथ लेवल हाइट क्यों करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लिंथ लेवल हाइट इसलिए करते हैं, अगर मान लिया जाए कि ये मेरा रोड लेवल है, रोड लेवल से कम आप जो है 2 फीट हाइट करके चलिए, क्योंकि इन फ्यूचर में कभी रोड लेवल हाइट में 2 फीट तो हाइट हो नहीं सकता है, तो आपका जो है फ्लोर लेवल, ग्राउंड फ्लोर लेवल बचा रहे। अब अगर 2 फीट का हाइट देते हैं तो क्या अब यहां पे, और हां अभी क्या है, प्लिंथ लेवल में हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स, जिसमें जीरा गिट्टी का 2 इंची का हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग का लेप लगाते हैं, ठीक है, डीपीसी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अब इसके नीचे की बात कर लेते हैं, जरा समझिएगा, तो अगर 2 फीट दे रहे हैं तो 1 फीट का मेरा क्या आ गया, 1 फीट हम जो है प्लिंथ बीम दे दिए, प्लिंथ बीम 9 इंची बाय 12 इंची का, ठीक है। अब बचा 1 फीट, 1 फीट में ब्रिक मशीनरी निकल दिए, फिर उसके ऊपर डीपीसी कर दिए, ये मेरा फ्लोर लेवल आ गया। अब ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि भाई हमें जब भी कभी प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाएंगे ग्राउंड लेवल में, यहीं से चला जाएगा, अगर प्लिंथ बीम ऊपर देंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसके नीचे से लेके जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा तो फिर आपको सेप्टिक टैंक जो है डेप्थ में दिखेगा, तो ईट चिनाई हमें करना ही पड़ेगा, 3 लेयर, ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसके नीचे, अब ये मेरा एक्चुअल ग्राउंड लेवल है जमीन का, तो इसके नीचे देना है क्या ईट चिनाई, इसके नीचे बिल्कुल नहीं देना है ब्रिक मशीनरी, सिर्फ क्या करना है यहां पे जहां जहां प्लिंथ बीम आ रहा है वहां पे 3 इंची का सैंड फिल कर देंगे, फिर 3 इंची का आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी कर देंगे, तब जाकर के हम लोग ये जो है प्लिंथ बीम ढलाई करेंगे सरिया बांध करके, यहां तक तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन केस अगर यही 3 फीट प्लस हो तब क्या करेंगे, 3 फीट प्लस हो तब जाकर के जो है आपको 1 फीट का नीचे ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, 1 फीट ब्रिक मशीनरी करना पड़ेगा, तब फिर उस ब्रिक मशीनरी पे 1 फीट का प्लिंथ बीम देना पड़ेगा, फिर तब फिर 1 फीट का आपका जो है हाइट में ब्रिक मशीनरी करना पड़ेगा, टोटल 3 फीट हो गया ना, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। हाँ अगर करना पड़ रहा, क्योंकि देखिए ये बिल्डिंग का वॉल का लोड किस पे आएगा, प्लिंथ बीम पे, हम उस लोड बेयरिंग लोड को लेने के लिए जो है प्लिंथ बीम पे लोड देते हैं, लोड से कॉलम पे जाए, कॉलम से फाउंडेशन, फाउंडेशन से आपका सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा, इसका काम होता है प्लिंथ बीम का, ठीक है। तो अब
तीन फीट प्लस है तो अब करना पड़ेगा। और साथ ही जो है अब ये जमीन लेवल आपका यहां से एक ये है, अभी टोटल यहां पे तीन फीट की बात कर लेते हैं तो, लेकिन अब यहां से जो एक फीट आपको और नीचे लेना पड़ेगा बेस बनाने के लिए, टोटल चार फीट हो गया। चार फीट में से दो फीट आपका ब्रिक मशीनरी करना पड़ेगा, फिर एक फीट आपका प्लिन बीम, फिर एक फीट आपका ब्रिक मशीनरी, फिर से फिर डीपीसी आप कर दीजिए दो इंची का। यही तरीका है, जब भी कभी आप अपना घर का प्लिन बीम के नीचे वाल की बात की है, देखिए अगर दो फीट रखना चाहते हैं ना ग्राउंड लेवल से तो नीचे ईटा जुड़ाई मत कीजिए, क्यों करेंगे भाई, क्यों वे वजह जो है इतना लाखों रुपए हजारों रुपए खर्चा करेंगे, जरूरत ही नहीं है। अगर तीन फीट से ज्यादा रखना चाहते हैं तब जाकर के डीपीसी लेवल, तब जाकर के आपको नीचे करना पड़ेगा, यही फंडा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, और अभी भी कुछ डाउट है मन में तो आप हमसे क्वेश्चन इस कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमें तो सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन जो क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।